नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मनी ट्रायंगल के विषय में बताऊंगा, मतलब धन के भंडार के विषय में। जिस किसी के भी हाथ में मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे लोगों के पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती। और एक मेजरमेंट के हिसाब से देखा गया कि ऐसे लोग करोड़पति, अरबपति या इससे भी ज़्यादा बन जाते हैं, खासकर अपनी मेहनत से और बिजनेस के द्वारा। क्योंकि मनी ट्रायंगल में सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा है वो बिजनेस लाइन ही है, जिसके द्वारा मनी ट्रायंगल बनता है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी के भी हाथ में मनी लाइन ना हो, अगर मनी ट्रायंगल ना बन रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर हाथ में कोई ग्रह अगर उभरा हुआ हो तो भी वो बहुत ज़्यादा धन दे देता है। लेकिन एक इंडिकेशन के हिसाब से पाल्मिस्ट्री में मनी ट्रायंगल को सबसे बेस्ट माना गया। देखिए दोस्तों, आपकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं से भी आपकी भाग्य रेखा निकल रही हो, या फिर कोई भी रेखा कहीं से भी निकल रही हो, मेन वो सैटर्न पर जा रही हो, मतलब शनि पर। और एक रेखा फोर्थ फिंगर के नीचे से इस प्रकार से यहाँ से आ रही हो और ये लाइफ लाइन को टच कर रही हो, या फिर सिर्फ यहाँ पर ही आकर, मतलब आपका जो लक लाइन है यहाँ पर ही आकर अगर टच कर रही हो, तो भी ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, ये आपको मनी ट्रायंगल बना रहा है। ये जो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में माइंड लाइन, लक लाइन और बिजनेस लाइन, इन तीनों के योग से जो ट्रायंगल बनता है उसे मनी ट्रायंगल बोलते हैं। जिस किसी के भी हाथ में ये ट्रायंगल बन रहा है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में बहुत अच्छा धन मौजूद है। क्या होता है कि ऐसे लोगों को धन की, देखा गया है कि ऐसे लोगों को धन की कभी कोई कमी नहीं होती, और धन आता भी है और बचता भी बहुत ज़्यादा है और बढ़ता भी है, तीनों होता है। और खासकर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि नोटिस करने लायक है, वो है ये बिजनेस लाइन। बिजनेस लाइन की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि ज़्यादातर जो मनी ट्रायंगल बनते हैं, मतलब 100% ही मान लीजिए, उसमें ये बिजनेस लाइन मौजूद होता है। तो अगर ये बिजनेस लाइन छोटा सा भी मौजूद हो, तो भी ये इंडिकेशन होता है कि बिजनेस में अच्छा सक्सेस है, और ऐसे लोगों को बहुत अच्छा धन रहता भी है, बचता भी है, रुकता भी है। अब अगर किसी के हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा हो, लेकिन ये लाइन मौजूद हो, मतलब बिजनेस लाइन मौजूद हो, या ट्रायंगल नहीं बन पा रहा हो, थोड़ा सा भी उसमें गैप रह गया हो, तो इसे लीकेज कहते हैं। मतलब ऐसे लोगों के पास भी बहुत अच्छा धन आता है, मनी का फ्लो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो है रुक नहीं पाता है, किसी ना किसी कारण से निकल जाता है, चाहे वो बीमारी में जाए या किसी भी चीज़ में खर्च हो जाता है, मतलब लीकेज रहता है। तो मनी का सबसे अच्छा सोर्स अगर हाथ में होता है, तो ये मनी ट्रायंगल ही बनता है और बताता है। तो दोस्तों, मनी ट्रायंगल के विषय में यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट में, अगर आप बिजनेस में हैं, तभी आपको इतना ज़्यादा धन मिलेगा, क्योंकि बिजनेस लाइन मौजूद है। अन्यथा जॉब में अगर आप रहे, तो आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा धन नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मेन केतु के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। और अब मैं रेगुलर बेसिस पे होल हैंड एनालाइज का वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप सभी को आसानी हो हाथ में रेखाएं पढ़ने की, जानने की, सभी को और आसानी से हर रेखा के विषय में पता चले और अच्छे से ज्ञान आपका बढ़ सके। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।